ये तो बेहोश हो गई फिर से। सुहाना 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 उठो। सुहाना तुम ठीक तो हो ना? होश में आओ सुहाना। सुहाना क्या हो गया भगवान? सुहाना सुहाना तुम ठीक तो हो ना? होश में आओ सुहाना, तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ? सुहागरात हो गई। सुहागरात? सुहाना तुम बेहोश हो गई थी, तुमने डिनर नहीं खाया था? All because of this stupid घूंघट। मैंने तुमसे कहा था ईशान मुझे इसमें सफोकेशन हो रही है, लेकिन नहीं, तुम तो पता नहीं कौन सी लाइन याद कर रहे थे। एक भी बार तुमने मेरा घूंघट नहीं उठाया। Okay, I'm sorry। ये लाइन का चक्कर छोड़ो और ये घूंघट भी मन डालो, हम ऐसे ही मना लेते हैं सुहागरात। To hell with your सुहागरात, मुझे नहीं मनानी सुहागरात। या मिस्टर माखीजा, मैं आपको 3 बार अपना रेज्यूमे भेज चुका हूं और आप कह रहे कि आपको मेरा रेज्यूमे मिला ही नहीं। मिस्टर माखीजा, अगर आपको मुझे जॉब नहीं देनी है तो आप मुझे साफ साफ बता दीजिए। आपको याद है लास्ट ईयर आप ही ने मुझे अपनी कंपनी ज्वाइन करने को कहा था, वो भी 1.5 गुना ज्यादा सैलरी पर, और आज आप जी मिस्टर माखीजा, आई डू अंडरस्टैंड, लेकिन इतना भी कुछ नहीं बदला। रिसेशन इज ओवर नाउ और आप हेलो जी, आप मीटिंग में? ठीक है, मैं आपको कल फोन करूं। हेलो क्या हुआ? फोन काट दिया। व्हाट रौनक, तुम दोबारा इस घटिया आदमी को फोन नहीं करोगे? पहले तो वो तुम्हारे पीछे रहता था और अब? पहले जैसा कुछ नहीं रहा, अब तो लोग मेरा फोन भी काटने लगे। तुम ये मेडिसिन ले लो, सब ठीक हो जाएगा। मम्मी जी, मैंने पापा की दवाई ना पापा के टेबल पर रख दी है, आप एक बार उन्हें याद जरूर दिला दीजिएगा। रौनक, मैं स्कूल के लिए निकल रही हूँ। ओके ये दवाई क्यों ले रहे हो तुम? क्या हुआ तुम्हें? पन्ना, तुम्हें ये भी नहीं मालूम कि रौनक को फीवर है? रौनक, तुम्हें इतनी तेज बुखार है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं सुबह? और ये कौन सी दवाई ले रहे हो तुम? बिना डॉक्टर को कंसल्ट किए तुम कोई भी मेडिसिन नहीं लोगे, समझे? मैंने मेडिसिन दी है इसीलिए। इतनी ही फिक्र है तो तुम इसे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखा देती? मेरे पास अभी बिल्कुल भी वक्त नहीं है। मम्मी जी, आप ले जाइए ना प्लीज रौनक को डॉक्टर के पास। नहीं, कोई जरूरत नहीं, मैं खुद ही चले जाऊंगा। पर आई थिंक क्लाइमेट चेंज की वजह से फीवर हुआ है, आई बी फाइन। पर डॉक्टर को दिखा जरूर देना। हाँ, मैं चलती तुम्हारे साथ रौनक, पर आज मैं छुट्टी नहीं ले सकती, मैंने कल ही छुट्टी ली थी। अपने घर जाने के लिए, अपनी माँ से मिलने के लिए, और हाँ अपने भाइयों से मिलने के लिए। आज तुम्हारे हस्बैंड को तुम्हारी जरूरत है और तुम छुट्टी नहीं ले सकती? मम्मी जी, मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं किसी बहस में पड़ूं। रौनक, मैं चलती हूँ, डॉक्टर को जरूर दिखा देना। हाँ, मैं तुम्हें प्यार नहीं कर पा रही, मुझे तुम पर गुस्सा आता है, कभी कभी तरस भी आता है, पर पता नहीं क्यों तुम पर प्यार नहीं आता। अब
देखा तुमने कैसे बोल के गई उसे तो तुम्हारी मॉम प्लीज फॉर गॉड्स सेक मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ और हर बात का इशू बनाने की आदत हो गई आपको नाउ प्लीज लीव मी अलोन गुड मॉर्निंग मिस्टर सालवे आपने मेरे रेज्यूमे देखा आज 15 दिन हो गए आपको मेल किए हुए हेलो हेलो दिशा दीदी मुझे आपसे पूछना था कि वो सो आहा कितना चमक रहा है चेहरा बताओ कैसे कटी रात क्यों ईशान भाई ने रात भर सोने दिया या नहीं हाँ एक मिनट ये बताओ कि पहले ईशान ने कहा क्या जान जानू या जाने मन वो मुझे जान जानू या जाने मन क्यों बोलेगा वो तो मुझे सुहाना बुलाता है राम मिलाए जोड़ी What? छोड़ इधर आ इधर आ ये बताओ कि कल रात को हुआ क्या दिशा दीदी मैं इतनी अपसेट हूं ना मैं आपको बता नहीं सकती हूँ पता है जो ईशान Forget it. आप मुझे ये बताइए कि ये सोनाली कहाँ है सोनाली तो गई गई हाँ? गई मींस अरे मतलब वो यहाँ से चली गई है अपने घर गई है इंदर भैया और इलेश उसे एयरपोर्ट छोड़ने गए हैं What? क्या सोनाली चली गई और किसी ने मुझे बताया भी नहीं तो ठीक है ना तुम लोग सो रहे थे तो उसने कहा रहने दो अरे पर दिशा भाभी ऐसे अचानक कैसे हाँ मुझसे भी वो कल बात कर रही थी उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया इस बारे में बड़ी माँ बड़ी माँ हाँ ईशा बड़ी माँ सोनाली हाँ बेटा उसे अचानक जाना पड़ा ओहो ऐसे क्या देख रहे हो एक ना एक दिन तो जाना ही था ना उसे अपने घर हाँ बड़ी माँ पर ऐसे कैसे जा सकती है मुझे मिलके भी नहीं गई वो हाँ वो मैं भी उसे आज डिनर पर लेके जाने वाली थी कोई बात नहीं सुहाना भाभी आज आप हमें डिनर पर ले चलो इशिका तू अपना मुंह बंद रख पता है शाम सोनाली ने ना बड़ी माँ और दादाजी के साथ मिलके सुहाना ईशान को इस प्लान के बारे में कुछ भी मत बताना कुछ नहीं बताओ बताओ क्या नहीं वो हाँ? सुहाना जी ईशान तुम लोग बेकार में परेशान हो रहे हो अच्छा ठीक है वो अभी वो घर पहुंची नहीं होगी इसलिए वो जैसे ही पहुंचेगी ना फोन कर लेना उससे ठीक है हाँ और वैसे भी एक ना एक दिन तो उसे अपने घर जाना ही था ना चलो अब मूड ठीक करो अपना सुहाना ईशान सुहाना को लेकर आज शाम को घूमने चले जाओ हाँ स्कूटर पे नहीं है हाँ अपने स्कूटर पे तो बिल्कुल भी नहीं हो गया चाय मिले सुहाना और ईशान तुम दोनों के लिए घर छोड़कर गई है सुहाना मैं जा रही हूँ सॉरी अगर मैंने तुम्हारा दिल दुखाया हो तो बस इतना कहना चाहती हूँ कि ईशान तुम्हें बहुत चाहता है बहुत प्यार करता है पर भोलू है ना इसलिए तुम्हें खुल के बोल नहीं पाता इसीलिए इसके बोलने का इंतजार मत करो बस उसे प्यार करो मन की बात
सभा पे लानी पड़ती है ईशान। तुम्हारी तरह सुहाना भी भूली है, उसे भी समझने की कोशिश करो तुम। उसे अपने दिल की कह दो, वो भी तुमसे बहुत प्यार करती है, पर तुम्हारी तरह उसे भी अपना प्यार जताना नहीं आता। और सुनो, उसका ख्याल रखना, शी इज अ प्योर सोल, उस जैसी बीवी तुम्हें किसी जन्म में नहीं मिलेगी ईशान। तुम्हारी और ईशान की प्रॉब्लम ये है कि तुम दोनों या तो अपने दिल की बात समझ नहीं पाते या समझ के भी कह नहीं पाते। सुहाना कभी कभी खामोशी भी बहुत कुछ कह देती है, लेकिन उसके लिए एक दूसरे को टटोलना पड़ता है, आंखों में आंखें डालकर एक दूसरे को देखना पड़ता है। एनीवेज, जो हो चुका उसे भूल जाओ और अब कोशिश करो कि जो भी हो वो अच्छा हो। तुम बस ईशान को प्यार करते रहना और फिर देखना कि तुम दोनों की जिंदगी कितनी खूबसूरत बन जाएगी। नहीं, ये ठीक नहीं किया सोनाली ने, मुझे बिना बताए चली गई। जैसे मॉम कहानी सुनाती थी कि एक फेरी आई और सब कुछ ठीक करके चली गई। बड़ी माँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। आप मुझे डायरेक्टली भी तो समझा सकती थी ना, सब सोनाली को बताने की क्या जरूरत थी। अभी वो बसंती सारा क्रेडिट ले गई और मुझे डिफीटेड फील हो रहा है। अरे मेरी भोली बेटी, अगर मैं तुम्हें तुम्हारे रिश्ते के बारे में समझाती तो क्या तुम समझ जाती? ऑब्वियसली, तुम इतनी मासूम हो सुहाना कि तुम्हें ये बताने के लिए रोटी गोल होती है, पूनम का चांद दिखाना पड़ता है। पर क्यों, रोटी और मून तो दो अलग अलग चीजें होती हैं। सुहाना, तुम मानो या ना मानो, लेकिन सच तो यह है कि तुम्हारे मन में ईशान के लिए प्यार सोनाली ने जगाया। और मेरे ख्याल से बड़ी भाभी और बाऊजी ने जो कुछ भी किया बिल्कुल ठीक किया। पता है, कई बार ऐसा होता है कि हमें अपने अंदर के एहसास की खबर दूसरों से मिलती है। जैसे तुमने दीपक के लिए मेरे मन में सच्ची ममता जगाई, तुमने। Like that? Oh, फिर ठीक है। राधा बुआ, दीपक कैसा है? आप लोग दोनों स्माइल क्यों कर रहे हैं अभी? अरे खुश भी ना हो क्या हम? Of course, but कैसे? दीपक ठीक है। और तुम आप सोनाली को भूल जाओ, पूरा ध्यान ईशान पे दो। ध्यान? You mean योगा टाइप ध्यान? No no, आप दीपक को फोन लगाइए ना, मुझे उससे बात करनी है। अब तो मैं 100% उसकी बड़ी भाभी बन गई हूँ। बड़ी नहीं, छोटी भाभी। छोटी भाभी? हाँ, रजनी बड़ी भाभी, दिशा मछली भाभी और तुम छोटी भाभी। बड़ी और छोटी तो ठीक है, अब ये मछली भाभी क्या होता है? ठीक है, मैं छोटी भाई हैप्पी हूँ। आप दीपक को फोन लगाएंगी कि नहीं? एक सर, Thank you.
क्या हुआ? आपने बुलाया था ना? ये बताओ, कहीं मैं तो नहीं फंसूंगा ना? डरो मत, मैं आपका नाम तक नहीं जानता, और वैसे भी 2-3 साल में तो आप मरने वाले हैं। पुलिस को आपका नाम बताकर मैं सरकार के पैसे नहीं खर्च करना चाहता। काम की बात करो बेटे, माल लाए माल, पैसा। गिन लो, 50 और 100 के नोट है। गिनने की जरूरत नहीं है बेटा मुझे, यमराज भी मुझसे धोखा नहीं कर सकता। भरी हुई है, पहले झटका देगी, टाइट पकड़ना। अभी से हाथ कांपने लग गए। हाँ दीपक, कैसा है? मैं ठीक हूं माँ। क्या हुआ, तू इतना घबराया हुआ से क्यों लग रहा है? नहीं नहीं, मैं ठीक तो हूँ माँ, आप कैसी है? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा बता, तुझसे कौन बात करना चाहता है? बता। कौन? नाना जी? नाना जी नहीं, भाभी जी। SIL सुहाना बाज, सुहाना कश्यप। आप कैसी है भाभी? मैं एकदम ठीक हूँ। अरे तुम इतने डरे हुए क्यों साउंड कर रहे हो? इज ऑल ओके? हाँ भाभी। दीपक के बच्चे, कहीं तुम अपनी कोई गर्लफ्रेंड के साथ में तो नहीं हो? सुनो, अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है ना, तो तुम मुझे अभी से बता दो, मैं अभी से राधा बुआ को सेट करके रहूंगी, ठीक है? नहीं भाभी, कैसी बातें कर रही हैं आप? ईशान भैया कैसे हैं? अरे ईशान तो ठीक ही है, वो अच्छा हो या खराब हो, वो तो सेम टू सेम ही दिखता है। लो तुम राधा बुआ से बात करो, और सुनो अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में मुझे ही बताना, ओके? बाय, सी या। सुन दीपा, ठंड बहुत बढ़ गई है, इसलिए स्वेटर बगैर पहने मत निकलना बाहर, समझा? और सुन, दोबारा सुधीर का कोई फोन तो नहीं था ना? नहीं माँ। ठीक है, तो अपना ख्याल रखना। अरे सुनो, अपना सामान तो लेके जाओ। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।